मन की बात की 100वीं कड़ी में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है शशि शेखर वेम्पति। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही जवाब है अभिलाष टॉमी। देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब है मॉरिशस। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अजीत कुमार मोहंती। केपलर रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड ईंधन आपूर्तिकर्ता बन गया है? सही जवाब है भारत। किस देश की कंपनीज बर्बैंक ने ओपनएआई के चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना एआई चैटबॉट गिगाचैट लॉन्च किया है? सही जवाब है रूस। किस राज्य की कोंड जनजाति ने हाल ही में बिहान मेला मनाया है? सही जवाब है ओडिशा। स्टॉक एक्सचेंजों में भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए किस कंपनी ने इंफोसिस के बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़ दिया है? सही जवाब है आईटीसी। किस आईआईटी ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने एवं सुधार करने के लिए जीबीएम ड्राइवर नामक एक मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशन टूल विकसित किया है? सही जवाब है आईआईटी मद्रास। नागरिक उड्डयन में भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा? सही जवाब है 2027। टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? सही जवाब है 2 मई। 1 मई 2023 को किन राज्यों ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? सही जवाब है गुजरात और महाराष्ट्र। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किस कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक पूरक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है एनटीपीसी। किस मंत्रालय ने वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल के विदेशी अंशदान पंजीकरण अधिनियम का लाइसेंस रद्द कर दिया है? गृह मंत्रालय। कौन से देश एक दूसरे के भुगतान कार्ड रुपए और मीर को स्वीकार करने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए हैं? सही जवाब है भारत और रूस।